तो बेरोजगारी बहुत बड़ी है, बेरोजगारी बड़ी है, घटी तो नहीं है, है जी? आप जानते हैं इस बात को? रोजगार ही खत्म हो गया जी, क्या कर रहे हैं? विकास का तो कुछ हुआ ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगा, एक सबसे पहली बात लेडीज की, और सेकंड दूसरी बात कि यहाँ पे थोड़ी सी शिक्षा के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार पर ईयर बोला था, पर उसमें 2 करोड़ पर ईयर क्या पूरे 5 साल में भी 2 करोड़ रोजगार नहीं निकला है। मस्जिद मंदिर एक है, मुसलमानों क्यों बांटा जा रहा है? जब कोई मुद्दा होता है तो राम मंदिर का मुद्दा लेकर बैठ जाती है। इन बीजेपी सरकार में स्कॉलरशिप तो दूर की बात, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी बीच में छूट गई हैं। बच्चे हमारे गांव में 2 बच्चों ने बीटेक में एडमिशन लिया, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आने की वजह से उन्हें बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सुरक्षा के में तो ये सरकार एकदम बिल्कुल फेल है, क्योंकि जो जिम्मेदारी बनती है वो जो सरकार होती है उसकी बनती है। अभी आप देख रहे हो ये अटैक हुआ, हमारे जो सैनिक भाई मारे गए, तो कोई ये पूछने वाला ही नहीं है कि ये मतलब कैसे हुआ। अब वोट जो सांसद थोड़ी मांग रहा है अपने नाम पर, मोदी के नाम पर मांग रहा है। मोदी यहाँ का सिर्फ एक काम हो रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदू और मुस्लिम हिंदू, और दूसरा कुछ है नहीं। किसानों के लिए कुछ मिला ही नहीं है, हैं? किसान बेचारा आए दिन भूखा मरता, कहीं कुछ मिलता ही नहीं है। जितने सरकार में हिंदू मुस्लिम का मामला हुआ ना, कभी किसी सरकार में नहीं हुआ, ठीक है? मोदी के जितने भी मंत्री हैं, संतरी हैं, जितने भी नेता हैं, सारे टोटल पब्लिक को, जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना के बारे में मैंने पढ़ा है, बहुत उसको अध्ययन किया है। ये योजना सिर्फ मूर्ख बनाने की योजना है। 2014 से जब से भाजपा की सरकार बनी है, जब से ही समस्याएं आ गई है, जब से ही देशभक्त, मतलब जो भाजपा में ना जाए वो देशद्रोही, जो कुछ बोल दे भाजपा के खिलाफ वो देशद्रोही। जैसे आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कल को मैं भी देशद्रोही हो जाऊँगा। इन 5 सालों के अंदर जो हम देख रहे हैं, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं हुआ है। हम इस वक्त दादरी के मीरभोज इंटर कॉलेज में खड़े हैं, जहां हमारे साथ कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दा है, उनका कंसर्न क्या है, किस चीज़ को लेकर के वो जो है इस बार वोट करने जा रहे हैं। मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं है वो सरकार आए ना, राजनीति नीच फैलाए, मुसलमान को जोड़ के चले, सबको जोड़ के चले। मेरा तो कहने का मतलब ये है बस, नोटबंदी से पहले क्या कि काम सही चल रहा था, अब डाउन होगा। जब पब्लिक के पास पैसा नहीं है नोटबंदी से, तो काम भी ढीले पड़ गए। देखिए, सबसे पहले तो बात करें रोज़गार की। अगर हमारे एरिया, हमारे देश में अच्छा रोज़गार लोगों को मिलेगा, तो वो हम उसी पार्टी को वोट करेंगे जो अच्छा रोज़गार देगी। जैसे GST इन्होंने लागू की थी, बहुत परेशानी हुई आम पब्लिक को, नोटबंदी की वो भी बहुत परेशानी हुई। जब भी आप न्यूज़ खोल के देखो, कोई अखबार खोल के देखो, इस जगह झगड़ा हो गया, इस जगह गाय का ये काम हो गया, इस जगह हो गया, कभी किसी सरकार में इतना नहीं हुआ। हम इस वक्त गौतम बुद्ध नगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के कैसे गाँव में हैं, जहाँ ये कहा जाता है या गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ से गौतम बुद्ध नगर और ख़ास करके जो है वेस्टर्न यूपी के पॉलिटिकल चीज़ों को तय किया जाता है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, किन मुद्दों को दिमाग में रख करके जो है इस बार वोट किया गया, ऐसे क्या मुद्दे थे जो पिछली सरकार ने पूरे नहीं किए। मोदी जी पर भरोसा करके कि रोज़गार पे, विकास पे, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लोगों ने विश्वास जताया कि अगली बार कम से कम 5 साल में कुछ नौकरियां या कुछ ऐसे मुद्दे जो किसान हित में होंगे, जो किसान को लाभान्वित करेंगे या किसान के जीवन स्तर को सुधारेंगे, उस पे कहीं कोई बहुत गंभीर प्रयास हुआ नहीं। आज आपको ये यकीन नहीं होगा, हम वोटर हैं, हम गांव के लिए, हम बता रहे हैं, गांव में पैसा बट रहा है, वोट के लिए पैसा बट रहा है, काहे के लिए विकास करेंगे? क्यों विकास करेंगे? जब वोट खरीद सकते हैं पैसे के बल पे, तो क्यों विकास करेंगे? विकास की जरूरत नहीं है। 5 साल में जब वोट पड़े, आ गए पैसे दो और वोट ले लो। किसान बेचारा आए दिन भूखा मरता, कहीं कुछ मिलता ही नहीं है, कहीं बारिश आ जाती है उसमें बाढ़ आ जाती है, क्या कहते हैं उसको, ये होता सूखा पड़ जाती है, अब बारिश पड़ जाती है, कहीं तबाह हो जाते हैं, नाच तबाह हो जाते हैं। जो किसान जो कहेंगे, किसान बेचारे आए दिन जो भूखे मरने कगार पे रहते हैं। जब बीजेपी सरकार नहीं थी तब भी देश यहीं था, तब कहाँ चला गया था बताओ? हिंदू भी यहीं थे, मुस्लिम भी यहीं थे, दलित भी यहीं थे, सारे समाज यहीं थे, और भाईचारा बहुत ज़्यादा है सब में। उस टाइम भाईचारा बहुत ज़्यादा था, सब आपस में मिलजुल गए, एक कोई किसी के परिवार में कोई घटना हो जाए, सब लोग इकट्ठे होकर घर पहुँचे करे, कोई बुजुर्ग एक्सपायर हो जावे, दाग लगवाने को सब साथ जाए करे। ये तो ऐसा बंटवारा कर रहे हैं, मैं गली में निकला जाऊँ तो यू कैसा आ गए मेरे पास,
मेरे सामने ये कैसे निकल आया, अरे मारो ये कैसे आ गया। ये कहते हैं हमने इतना विकास किया है, इस विकास में इस देश की इकाई मैं भी हूँ, आप भी हैं, ये भी खड़े हैं, सब इकाई तो हैं। देश तो एक नाम है, एक शब्द का नाम है। इनको पूछो क्या मिला इस साढ़े पाँच साल में, साढ़े चार साल में कुछ भी मिला हो सिवाय कुछ परसेंट लोग हैं, और उसमें भी परसेंट में भी ये है कि आपको भी शायद बुरा लगेगा, प्रेस और मीडिया टोटल इन लोगों का ये कि जो देश से ख़त्म होना चाहिए ना धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति, उसको इन्होंने दोबारा उभार दिया। और ये इतना इतना चरम सीमा पे पहुंच गया कि एक दिन देश में अगर कुछ डिवाइडेशन होगा तो पाकिस्तान की वजह से नहीं होगा, यहाँ इन्हीं लोगों की सोच के नीतियों की वजह से। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की ज़्यादातर विधानसभाओं को पर न्यूज़ क्लिक ने ट्रेवल किया, ज़्यादातर लोगों से बात करने की कोशिश की कि किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने वोट किया। जिन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा चर्चा की गई वो बेरोजगारी थी, ज़्यादातर लोग यहाँ पर जॉब को लेकर के खासे नाराज़ हैं। और मोदी सरकार की बात करें, अगर पाँच साल सरकार की, तो उन लोगों का कहना है कि किसी भी मैनिफेस्टो में 2014 लोकसभा के मैनिफेस्टो में मोदी जी ने जिन वादों का जिक्र किया था उनमें से किसी एक वादों को पूरा नहीं कर पाई है।